अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, क्या हाल चाल है? मुझे उम्मीद है कि सब अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। दिस इज़ मी समरीन। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। इट्स लाइक अ काइंड ऑफ ऑकवर्ड सिचुएशन कैमरा के सामने आना। मतलब आई हैव बीन ट्राइंग अ लॉट कि मैं वीडियोस बनाऊं, लेकिन व्हेन यू लीव समथिंग उसके बाद दोबारा जब आप उसको रीजॉइन करते हैं, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आपको इट टेक्स टाइम। और मतलब आई थिंक सो यू कीप टेलिंग योर सेल्फ, अच्छा यार कल बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, एंड दैट टुमारो नेवर कम्स। जब तक कि आप उसी वक्त और उसी दिन नहीं कहते कि नहीं यार आज मैंने ये काम करना है। तो गाइज, दिस इज़ दैट डे जिसमें मैंने कहा कि नहीं, आज मैंने जो भी हो जाए लाजमी बनानी है, क्योंकि आई नो मैंने बहुत सारे, मेरी पिछली वीडियोज़ ने, आई एम नॉट सेइंग इट बाय माई सेल्फ, मुझे ये आप लोगों की तरफ से ही ये चीज़ आई है। तो आई एम सेइंग कि मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मतलब मेरी पिछली वीडियो से उनको काफ़ी हेल्प हुई है। और फिर ये हो गया कि जब एम डी कैट हो गया तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि मैं उसके बाद वीडियोज़ नहीं बना सकी। तो आई थिंक सो कि एक फैमिली है जो मेरे साथ रिलेटेड है, कुछ लोग हैं जो मुझ पर डिपेंड कर रहे हैं, और दे नीड माई एडवाइस, दे नीड माई हेल्प। आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, लेकिन ऑल ऑफ दोज हो वॉचिंग मी, लेकिन कुछ ना कुछ तो लाजमी ऐसे होंगे, कोई ना कोई एक दो लोग तो होंगे जो कि मेरी वीडियोज़ का इंतज़ार कर रहे थे। और इस वीडियो बनाने का सारा क्रेडिट मैं आप लोगों को देती हूँ, बिकॉज आई वॉज रियली रियली अमेज, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अ लॉट ऑफ, शायद आप लोग मुझे देख भी रहे हो, अ लॉट ऑफ पीपल हैव बिन आस्किंग मी कि समरीन आप किधर चली गई हैं, वाई यू नॉट मेकिंग वीडियोज़, वैन यू विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ अगैन। और उस चीज़ ने जब मुझे कोई मैसेज आता था ना, बिलीव यू मी, वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता था कि मैं जो है वो आज ही वीडियो बना लूँ। लेकिन अभी मैं आगे वीडियो में बताती हूँ कि वाई आई वॉज नॉट मेकिंग वीडियो। पर्टिकुलरली जब भी मैं कोई वीडियो स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों को पहले बता देती हूँ कि इस वीडियो में व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। लेकिन ये एक बहुत ईजी टॉपिक पे वीडियो, इंट्रोडक्टरी टाइप ऑफ वीडियो, मतलब कमिंग बैक फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ हाइबरनेशन, ठीक है? तो इस वीडियो में बेसिकली, इस वीडियो के बाद और इस वीडियो में भी कुछ मैं FSC स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट करना चाह रही थी। पिछले पिछले टाइम से ही आई हैव डिसाइडेड कि मैं MCAT के बाद और MCAT के बच्चे जो बेचारे तो नहीं मैं उनको कहूँगी, जो जिनका नहीं हुआ, ठीक है, उनके लिए भी अब मैं वीडियोस बनाऊँगी रिपीटर्स को गाइड करने के लिए, और इम्प्रूवर्स को भी, FSC इम्प्रूवर्स को भी, और जो MCAT फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी और वीडियोस बनाऊंगी। अच्छा, आप लोगों को सबको पता है जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं कि मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट और फेसबुक अकाउंट इंतहाई एक्टिव है। मैं वहाँ पर बिल्कुल कैजुअल होके आप लोगों की क्यूरीज का जवाब देती हूँ। वेन एवर यू आस्क मी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट हैव बीन दैट यू पीपल आस्क अर अबाउट कि मेरे FSC में इतने मार्क्स हैं, मुझे इम्प्रूव करना चाहिए या क्या इम्प्रूव करना चाहिए, तो वहाँ मैं आपको डिटेल सारी गाइडलाइन देती हूँ। इसके अलावा कोई करियर गाइडलाइंस आप लोगों ने मुझसे लेनी होती हैं, या MBBS या BDS के बारे में कोई क्वेश्चन होता है, तो यू गाइज आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट हमेशा डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, फेसबुक का भी देती हूँ, फेसबुक पर भी आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो बच्चों लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वाई आई हैव नॉट बीन मेकिंग वीडियोज़, कब से नहीं बना रही, आई मेड माई लास्ट वीडियो व्लॉग्स बनाए थे कुछ मैंने जब मैं कॉलेज में थी, उसके बाद से मैं नहीं बना रही थी। तो देर वॉज अ वेरी वेरी गुड न्यूज़, आई वॉज एक्सपेक्टिंग, और आई वॉज इन माई लास्ट ट्राइमेस्टर। और जो फीमेल्स मुझे देख रही हैं या जिनके घर छोटे छोटे बच्चे आ चुके हैं, दे नो आई मीन के प्रेगनेंसी इज़ क्वाइट टफ फॉर अ वुमेन, और जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। और फर्दर मोर ये हो जाता है कि इट्स लाइफ, मतलब आपकी रूटीन काफ़ी हेक्टिक हो जाती है, और यू नो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और इसमें कुछ आप ऐसे बिजी हो जाते हैं, ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर में कि आप मुझे प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। फिर आई वॉज शॉर्ट ऑफ टाइम फॉर माई, मतलब मेरी पढ़ाई की वजह से भी, लेकिन फ्रैंकली टेलिंग आई एम स्टिल नॉट इन टू स्टडीज़। मैं मेरी आप मतलब आई डोंट नो कितने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, और आप में से किसी की भी दुआ मुझे लग सकती है। तो पहले तो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहा करें, कोई अच्छी बात सुने, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मैं अब सही से पढ़ने लग जाऊं और रेगुलरली आप लोगों की हेल्प के लिए वीडियोज़ बनाऊं।
तो आई गेव बर्थ टू अ डॉटर ऑन 6 दिसंबर 2020, ठीक है। आई नेम्ड हर मिरहा, ठीक है। उसकी पिक्चर मैंने अपने पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी स्टोरी में लगाई थी, तो जो लोग मुझे वहाँ फॉलो कर रहे हैं दे माइट नो, और जिनको नहीं पता उनको यूट्यूब इस वीडियो से पता लग जाएगा। और इफ़ यू वॉन्ट टू सी हर यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, और यू कैन लेट मी नो इन द ऑन द इंस्टाग्राम। आप लोग मुझे दोबारा मैं दोबारा अपलोड कर दूँगी उसकी पिक्चर, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। और इनशाला 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 आई विल मेक अ वीडियो विद हर, और आई एम ऑल्सो डिसाइडिंग टू मेक उसका भी इंस्टाग्राम का पेज बनाऊंगी, जहाँ पर जो यंग मदर्स हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। इंशाल्लाह अभी दिस इज़ आई डोंट नो कि मैं अभी स्टार्ट करूँगी कि नहीं, इसको थोड़ा सा लेट स्टार्ट करूँगी। उसकी वजह ये है कि अभी आई एम बिजी इन टू माई, मतलब आई एम ट्राइंग टू गेट माई सेल्फ बिजी इन टू द माई एग्ज़ाम्स। माई एग्ज़ाम दे आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑन 5th मार्च, फर्स्ट एग्ज़ाम है 5th मार्च को, प्रॉफ है मेरा। और लेकिन इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस ऑफ मदरहुड, तो एक्चुअली आई, मतलब आई फील लाइक आई शुड गिव माई टाइम टू हर ऑल्सो, बिकॉज आई डोंट नो वट्स दैट फीलिंग। दिस इट्स अ ब्लेसफुल फीलिंग, जो भी है आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, लेकिन आई फील लाइक जब भी मैं कुछ और काम करने लगती हूँ तो मुझे लगता है कि आई एम नॉट डूइंग फेयर टू हर। तो आई डोंट थिंक सो दिस इज़ राइट, दिस इज़ द राइट केस, लेकिन अभी आई एम क्वाइट बिजी, और वो बहुत छोटी है अभी, शी इज़ ओनली 40 डेज, 40+ some days। तो आपको, मतलब यू माइट नो जिनके घर बच्चे हैं, या अगर कोई यंग मदर्स या मदर्स मुझे देख रही हैं, तो जो छोटा बच्चा होता है शी, और मतलब माई इज़ शी, तो शी नीड्स टू मच केयर। अभी एट माई, आई एम एट माई मदर्स होम, मैं मामा के पास हूँ, और शी इज़ टेकिंग गुड केयर ऑफ हर, और मैं उनसे सीख भी काफ़ी कुछ रही हूँ। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक तो इसकी वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि आई वॉज़ बिजी, दूसरा ये आई आई फील फॉर यू गाइज जिनका एम कैट हुआ, और आप लोगों के साथ जो जो हुआ आई फील फॉर यू गाइज। और इनशाला इनशाला जिनका नहीं हुआ, इन्होंने उन्होंने बिल्कुल 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 भी नहीं घबराना, आई एम स्टिल हेयर, आई एल हेल्प यू गाइज। जो इस फील्ड से बाहर जाना चाहते हैं उनको भी, और जो इस फील्ड में ही रहना चाहते हैं, जो एम कैट आगे मेडिकल ही करना चाहते हैं, उनके लिए भी आई एम हेयर, आई हेल्प यू गाइज आउट। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और अच्छी बात यह है कि आई हैव कंपाइल्ड माई नोट्स, तो जो रिपीट कर रहे हैं उनको नोट्स से हेल्प हो सकती है। नोट्स आर अवेलेबल एट अ मिनिमल प्राइस, ठीक है। और आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज करके मुझसे ले सकते हैं, सबको पता है जिन्होंने मेरी वीडियोज़ पहले देखी हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर मोर, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू टेक नोट्स, नोट्स का भी मसला नहीं है, यू कैन टेक गाइडेंस, और आई एम ऑलवेज अवेलेबल। यकीन माने मैं रात को 2-2 बजे तक भी रिप्लाई कर रही होती हूँ, और मैं इतनी कैजुअल हूँ कि मैं एक्सप्लेन करने के लिए वॉइस नोट्स वगैरह भी भेज देती हूँ। तो यू कैन आस्क मी एनी थिंग ऑन द इंस्टाग्राम और फेसबुक, ठीक है। परेशान होने की किसी को ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, स्मार्ट सिलेबस आ चुका है, FSC के बच्चों के लिए बारे में अब बात करूँ, स्मार्ट सिलेबस आ गया है आप लोगों का, ठीक है। और मैं आई एम ट्राइंग टू रिसीव पेपर पैटर्न्स ऑल्सो, के पेपर पैटर्न्स किस तरह के हैं, ठीक है। उस लिहाज से मैं आपको गाइडलाइंस दूंगी कि कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। इनशाला अब मैं एक पूरी प्लेलिस्ट ही बना दूंगी FSC के बच्चों के लिए कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करना है, अगर क्योंकि आई एम ट्राइंग टू टेक, आई एम ट्राइंग टू गेट दीज थिंग्स लाइक ये सिलेबस और पैटर्न फ्रॉम लोकल और माई एक्वेंटेंसेस, तो मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है। अगर व्यूवर्स में से किसी के पास पेपर पैटर्न है FSC का, ठीक है, मेरे पास स्मार्ट सिलेबस आई हैव रिसीव्ड, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। और तो जिनके पास पेपर पैटर्न है, दे कैन, अगर PDF है और समथिंग लाइक दैट, दे कैन गिव मी दैट और स्क्रीन शॉट्स, तो वो मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम या फेसबुक पर सेंड कर दें, डॉक्यूमेंट्स वहाँ आप भेज सकते हैं। और मतलब आई एम फीलिंग वेरी गुड टू टॉक टू यू गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम जस्ट फिल्मिंग दिस वीडियो, और मुझे फील हो रहा है कि आई एम गेटिंग बैक टू आवर कनेक्शन। एक कनेक्शन बिल्ड हो गया था हमारा, ख़ास तौर पर जब मैं वीलॉग्स बनाती थी तो आप लोग कमेंट्स वगैरह करते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमारा एक आपस में एक रिश्ता डिवेलप हो चुका है। तो अच्छा, और एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि इफ़ यू वॉन्ट मी टू कम लाइव विद मेरा ऑन इंस्टाग्राम, तो यू गाइज कैन लेट मी नो, और फिर हम मिलकर एक टाइम डिसाइड कर लेंगे और डेट डिसाइड कर लेंगे, उस पर आई विल कम लाइव ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो मैं आपको उधर मेरा को मिलवा दूंगी, ठीक है, यू कैन सी हर देयर। और
एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट टू आस्क मी? और एक और काम मैं करने वाली हूँ कि आई एम गोइंग टू पोस्ट अ स्टोरी ऑफ आस्क मी अ क्वेश्चन ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है? तो गाइस सबसे पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ पर इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग अबाउट एनी थिंग, लाइक आप मिठा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या मेरे बारे में या स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन लेट मी नो ऑन दैट क्वेश्चन, मतलब उस पोस्ट पर आप मुझे क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगी और उसमें आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करूँगी। होप मैंने आपको ज़्यादा बोर नहीं किया होगा। दैट वॉज दी होल रीज़न वाई आई वॉज नॉट मेकिंग वीडियोज़। और इसके अलावा आगे वाली वीडियोज़ में आई मेक वीडियोज़ फॉर इम्प्रूवर्स एंड एम डी कैट स्टूडेंट्स एंड एफ एस सी स्टूडेंट्स। फर्दर इफ़ यू नीड एनी एम डी कैट नोट्स और हेल्प काइंड लाइक दैट, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप मैंने आपको बोर नहीं किया, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। एंड लास्ट में प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट यू कैन गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन जब आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करें। अल्लाह हाफिज़।